अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 8 हमारा प्रिंटर का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने प्रिंटर के बारे में पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन किया कि व्हाट इज अ प्रिंटर, ये प्रिंटर क्या होता है, और उसकी जो दो मेजर टाइप्स हैं, एक इंपैक्ट प्रिंटर और सेकंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, उन दो मेजर टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा कि वो क्या होती हैं, उनकी वर्किंग कैसी है, और वो प्रिंटिंग किस मैकेनिज्म से करते हैं, उनकी कीमत किस, कौन सा प्रिंटर सस्ता है, कौन सा प्रिंटर महंगा है। तो आज का हमारा पार्ट 2 इसी से रिलेटेड, प्रिंटर से रिलेटेड ही टॉपिक है कि उसकी जो पहली टाइप हमने पढ़ी, व्हाट इज इंपैक्ट प्रिंटर, कि इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, ये तो हम उस इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, मैं रिव्यू करता हूं, और उसकी टाइप्स कितनी है, इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है और उनकी टाइप्स कितनी है। तो सबसे पहले हम इंपैक्ट प्रिंटर को रिव्यू करते हैं, जो कल हमने उसके बारे में पढ़ा। जब भी ये टॉपिक आएगा तो सबसे पहले हमने एक्सप्लेन करना है व्हाट इज एन इंपैक्ट प्रिंटर, ये होता क्या है। तो कल हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसकी वर्किंग पढ़ी, वर्किंग में ये पढ़ा कि इंपैक्ट प्रिंटर काम कैसे करते हैं, एक टाइपराइटर की तरह। फिर टाइपराइटर का मैकेनिज्म मैंने बताया कि वो प्रिंटिंग कैसे करते हैं, जब टाइनी पेंस स्ट्राइक करते हैं इंक वाले रिबन पे और रिबन पेपर के साथ प्रेस होता है तो प्रिंट प्रोड्यूस होता है। दीज प्रिंटर्स प्रोड्यूस प्रिंट व्हेन टाइनी पेन स्ट्राइक्स ऑन एन इंक रिबन एंड रिबन प्रेसेस अगेंस्ट द पेपर एंड वन थिंग मोर, दीज प्रिंटर्स प्रोड्यूस प्रिंट by striking the paper, ये print produce करेंगे by striking the paper, paper को strike करके, paper को touch करके। फिर इसके कुछ points हमने पढ़े कि printing के दौरान ये शोर करेंगे, these printer produce a lot of noise while printing and the printing quality is very low, the price of impact printer is very low, these are inexpensive and the printing speed of printer is very slow, impact printer की जो printing speed है वो बहुत ही कम होती है। तो ये तो कल के topic का एक review हमने लिया, आज हम पढ़ेंगे कि ये impact printer की types कितनी है, one by one हर type को explain करेंगे। तो इसकी major तीन types हैं, एक dot matrix printer, एक डेजी व्हील और एक लाइन प्रिंटर। अगर आप तरतीब से याद करें, ये क्वालिटी में सबसे लो होंगे, ये क्वालिटी में कुछ अच्छे होंगे, ये क्वालिटी में इन दोनों से अच्छे होंगे। इस तरतीब से अगर हम याद करेंगे क्वालिटी वाइज, तो इनके पॉइंट्स हम लिख सकते हैं जो हमने कल कॉमन पॉइंट्स पढ़े थे। तो पहली टाइप है व्हाट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये क्या होता है, इंपैक्ट प्रिंटर की सबसे लो क्वालिटी का प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंपैक्ट में सबसे लो क्वालिटी का प्रिंटर है। तो अगर वो कॉमन पॉइंट्स कल वाले अगर हमारे ज़हन में है तो उसमें हम क्या देखेंगे, सबसे इंपैक्ट में सबसे लो क्वालिटी, इसका मतलब इसकी स्पीड तो और भी कम होगी, इसकी क्वालिटी तो और भी डाउन होगी, कीमत में ये और भी सस्ता होगा। तो ये पॉइंट हमारे ज़हन में आते हैं। तो चूंकि ये भी एक इंपैक्ट प्रिंटर की टाइप है तो वर्किंग भी इसकी मैंने लिखा है सेम वैसी होगी जैसी इंपैक्ट प्रिंटर की है। कैसी, कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट प्रोड्यूस करेंगे व्हेन टाइनी पेन्स, जब छोटी छोटी पेन स्ट्राइक करेंगी इंक वाले रिबन पे, स्ट्राइक्स ऑन एन इंक रिबन एंड रिबन प्रेसेस अगेंस्ट अ पेपर। तो बिल्कुल दो कल हमने इंपैक्ट प्रिंटर की वर्किंग पढ़ी, इसकी वर्किंग सेम टू सेम है। और इसमें पॉइंट्स क्या आएंगे, ये प्रिंटिंग के दौरान शोर भी करेगा, वही जो कॉमन पॉइंट कल मैंने डिफरेंस बनाकर लिखे थे, आपके चार पांच सेंटेंस उन्हीं पॉइंट्स के यहां पर डॉट मैट्रिक्स में एडजस्ट हो जाएंगे। ये प्रिंटिंग के दौरान शोर करते हैं, कीमत में भी सस्ते होते हैं। सिर्फ ये दो मेजर पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, इनमें कुछ नई इंफॉर्मेशन है, बाकी वर्किंग भी मैंने बताया सेम है, प्रिंटिंग के दौरान शोर भी करेंगे, सारे काम बाकी वही करेंगे जो कल हमने इंपैक्ट प्रिंटर के कॉमन पॉइंट्स में पढ़ा था। ये दो पॉइंट है, अब प्रिंटिंग स्पीड हमने पढ़ी बहुत स्लो होती है, तो इसकी वाकई बहुत स्लो है, लेकिन इसमें एक नई इंफॉर्मेशन है, द
The printing speed of dot matrix printer is measured in CPS. हमसे पूछा जाए कि ये कितनी स्पीड से प्रिंटिंग करते हैं, तो हम ये कहेंगे इनकी प्रिंटिंग स्पीड की मेजरमेंट होती है CPS में, करेक्टर्स पर सेकंड में, कि ये एक सेकंड में कितने करेक्टर्स प्रिंट कर सकते हैं। तो इनकी जो प्रिंटिंग स्पीड है, जो कैपेबिलिटी है कि एक सेकंड में कितने करेक्टर प्रिंट कर सकते हैं, वो 350 से लेकर 1100। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन प्रिंट 350 to 1100 करेक्टर्स पर सेकंड। तो ये इसमें एक नई चीज हमने ऐड करनी है। सेकंड जो न्यू पॉइंट इसमें हमने ऐड करना है वो है प्रिंटिंग क्वालिटी का। तो इसका हम कल पढ़ चुके हैं कि द प्रिंटिंग क्वालिटी ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर इज वेरी लो। तो चूंकि डॉट मैट्रिक्स भी इंपैक्ट प्रिंटर है, इसकी भी डेफिनेटली प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत लो होगी। अब इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पिंस पे। ये इसमें सेकंड न्यू इंफॉर्मेशन है। एक मैंने बताई स्पीड की मेजरमेंट सीपीएस में होती है, 350 to 1100 सीपीएस पर सेकंड। ये बाकी सारे कॉमन पॉइंट है। इसमें जो सेकंड मेजर पॉइंट आया, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि प्रिंटिंग क्वालिटी ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पिंस। नंबर ऑफ पिंस पे कितनी पिंस है, तो अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में 9 पिंस है तो उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी लो होगी। 15 पिंस है तो उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी थोड़ी अच्छी होगी। 24 पिंस वाला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है तो उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी और भी अच्छी होगी। इट मींस इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पिंस पे। जितनी ज्यादा पिंस होंगी उतनी डॉट मैट्रिक्स की प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होगी, बेहतर होगी। तो ये इसकी पहली टाइप है। तो जैसा कि मैंने कल बताया था वो कॉमन पॉइंट तो तकरीबन समझ ले, ये सारे का सारा टॉपिक उन्हीं कॉमन पॉइंट्स उठाया गया। सिर्फ दो नई इंफॉर्मेशन आई जो एमसीक्यूज में भी आ सकती है, वैसे सिंपल हम इन्हें एक्सप्लेनेशन में भी ऐड कर सकते हैं, हेडिंग बनाकर चाहे लिखे चाहे डायरेक्ट पैराग्राफ बना के लिखे। अब इसको अगर आप हेडिंग बनाकर एक्सप्लेन करेंगे तो पहले नंबर पर आपकी हेडिंग होगी वर्किंग ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उसमें लिखना है These printer works like a typewriter. These printer produce print when tiny pin strikes on an ink ribbon and ribbon presses against a paper. And these printer produce print by striking the paper. फिर आप noise की heading बना सकते हैं, printing speed की बना सकते हैं, printing quality। अगर headings में लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर simple dot matrix लिखकर paragraph बनाकर अच्छी सी presentation से लिख दे तो वैसे भी लिखा जा सकता है। इसकी second type है daisy wheel printer। ये भी पुरानी टाइप के प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर की टाइप के अंदर आते हैं। तो ये भी प्रिंटिंग के दौरान शोर करेंगे, इनमें भी पिंस होगी या जो भी मैकेनिज्म है वो भी हम पढ़ते हैं कौन सा मैकेनिज्म है इसका। कीमत में ये भी सस्ते होंगे, क्वालिटी इनकी भी डाउन होगी, लेकिन क्वालिटी वाइज अगर इसको और इसको एक्सप्लेन करें तो डेजी व्हील क्वालिटी में अच्छा प्रिंट प्रोड्यूस करता है। स्पीड के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो डेजी व्हील की स्पीड कम होती है, वो इसके मैकेनिज्म की वजह से कम है, वो भी मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं। तो वर्किंग क्या है, डेजी व्हील में एक व्हील होता है जिसके साइड में पेटल सी बनी हुई है, जैसा एक पूल होता है ना, पूल की साइड पे उसकी वो जो पत्तियां होती है उनको पेटल्स का नाम दिया जाता है। तो इसमें भी ये आपने सर्च करने YouTube से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डेजी व्हील, उनकी सारी वर्किंग क्लियरली हमारे सामने आ जाएगी। हम वीडियो में देख लेंगे तो फिर ये देखी हुई चीज सारी जिंदगी नहीं भूलती। तो यहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं कोई डायग्राम सी बनाने की। ये पैटर्न्स बनी हुए, कौन सा व्हील बना हुआ है, हर पैटर्न के आउटर एज पे एक करेक्टर सा बना हुआ है। अब ये प्रिंटिंग कैसे करेंगे, ये इसकी अगर प्रिंटिंग डेस्टिनेशन है, Z की पैटर्न यहां पर है, इसने प्रिंट होना है, तो ये व्हील Z वाली पैटर्न को घुमा के यहां पर लाएगा जहां पर उसने आकर प्रिंट होना है। जो ये Z वाली पैटर्न इधर आएगी, एक छोटा सा प्रिंटिंग हैमर होगा, छोटा सा, जो Z वाली पैटर्न को ऐसे स्ट्राइक करेगा। ये Z वाली पैटर्न आई, इसने उसे इस तरह से स्ट्राइक किया,
अब वो पैटर्न के आगे चूंकि करैक्टर बना हुआ है, जिस तरह स्टेम के आगे मैंने बताया था करैक्टर्स होते हैं, तो वो पैटर्न के साथ जो करैक्टर है वो आगे इंक वाला रिबन है, मतलब सिर्फ वो व्हील वाली नहीं कहानी है, बाकी वही मैकेनिज्म आगे इंक वाला रिबन है, रिबन पेन के साथ लगेगा तो प्रिंट प्रोड्यूस होगा। तो ये डेजी व्हील प्रिंटर की वर्किंग है, इसमें एक व्हील है, उस व्हील को डेजी व्हील कहते हैं, व्हील के साइड में पैटर्न्स बनी हुई है, जैसे रबूर की पैटर्न्स होती है, इसकी ये बार सी बनी हुई है जिनको पैटर्न से सिमिलरिटी दी जा रही है, हर पैटर्न के आउटर एज पे एक करैक्टर है, जिस करैक्टर ने प्रिंट होना है व्हील उस रिलेटेड पैटर्न को घुमा के प्रिंटिंग डेस्टिनेशन पे लेकर आएगा, वहां पर पैटर्न पहुंचने के बाद एक प्रिंटिंग हैमर उस पैटर्न को स्ट्राइक करेगा, वो पैटर्न वाला जो करैक्टर है वो आगे एक वाले रिबन पे लगेगा, रिबन पेन के साथ लगेगा तो प्रिंट प्रोड्यूस होगा। तो ये इसकी वर्किंग है, इसकी वर्किंग में थोड़ा बहुत चेंज आ गया, एक व्हील सा बना हुआ है, बाकी सारा वही है, एक वाला रिबन है वो पेन के साथ लगता है। अब प्रिंटिंग स्पीड के हिसाब से अगर डेजी व्हील को हम कंपेयर करें डॉट मैट्रिक्स के साथ, पॉइंट वही कॉमन है प्रिंटिंग स्पीड वाला, अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसकी प्रिंटिंग स्पीड कम है डॉट मैट्रिक्स से, अगर डेजी व्हील को हम कंपेयर करें तो डेजी व्हील की प्रिंटिंग स्पीड कम है। क्यों कम है? इसके मैकेनिज्म की वजह से। अब डॉट मैट्रिक्स में लगातार ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स लग रहे हैं स्पीड से तो प्रिंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी स्पीड ज्यादा है। इसमें अगर सी वाली पैटर्न ऐसे घूम कर इधर आई, टाइम वेस्ट हुआ, फिर ए में प्रिंट होना है, ए वाली पैटर्न तो आगे जा चुकी होगी, फिर ए वाली पैटर्न ऐसे घूम कर आएगी प्रिंटिंग डेस्टिनेशन पे, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आपने लिखा है फॉर एग्जांपल कि डॉट मैट्रिक्स की प्रिंटिंग स्पीड कम से कम 350 कैरेक्टर पर सेकंड है, तो डेजी व्हील की 350 से भी कम होगी। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, इसकी 50 कैरेक्टर पर सेकंड होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऐसा है जिसमें टाइम वेस्ट होता है। लेकिन दूसरे पॉइंट में अगर हम प्रिंटिंग क्वालिटी के लिहाज से डेजी व्हील को कंपेयर करें डॉट मैट्रिक्स के साथ, हम ये कहेंगे कि डेजी व्हील की प्रिंटिंग क्वालिटी उससे अच्छी है, इसकी प्रिंटिंग मैकेनिज्म के हिसाब से इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बेहतर है, तो ये इसकी इंपैक्ट प्रिंटर की सेकंड टाइप है। इंपैक्ट प्रिंटर की जो थर्ड टाइप है उसमें सारे पॉजिटिव पॉइंट लिखने हैं, इस टाइप को हमने कंपेयर करना है बाकी दोनों टाइप्स के साथ। तो ये सबसे अच्छी टाइप है इंपैक्ट प्रिंटर में, जो सबसे अच्छा प्रिंटर है वो लाइन प्रिंटर है। तो अगर हम इस तरह से शुरू में वर्किंग तो आएगी, इसमें पेन्स होती हैं, वो रिबन होता है, वो वर्किंग सेम आएगी। अगर हम क्वालिटी वाला पॉइंट लिखते हैं तो क्वालिटी में हम लिख सकते हैं द प्रिंटिंग क्वालिटी ऑफ लाइन प्रिंटर इज बेटर देन डेजी व्हील एंड डॉट मैट्रिक्स। अगर हम स्पीड के हवाले से, प्रिंटिंग स्पीड के हवाले से लाइन प्रिंटर में लिखते हैं तो हम ये लिखेंगे द प्रिंटिंग स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज फास्टर देन डेजी व्हील एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगर हम नॉइस के हवाले से बात करेंगे तो ये भी प्रिंटिंग के दौरान शोर तो करते हैं but produce much less noise than daisy wheel and dot matrix printer। कीमत के हवाले से पॉइंट सारे वही आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, प्राइस, क्वालिटी, नॉइस। प्राइस के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो these printers are more expensive than daisy wheel and dot matrix printer। ये कीमत में उन दोनों से expensive है। लाइन प्रिंटर में बाकी सारे पॉइंट तो वही कॉमन वाले आ गए, दो चीजें नहीं आएंगी कि इनकी प्रिंटिंग स्पीड की मेजरमेंट होती है लाइंस पर मिनट में, कि ये एक मिनट में कितनी लाइंस प्रिंट कर सकते हैं, एक मिनट में कितनी लाइंस, करेक्टर्स नहीं, LPM लिखा हुआ है, LPM stands for lines per minute, कि ये एक मिनट में कितनी लाइंस प्रिंट करेंगे। तो इनकी स्पीड 9th की बुक में 2400 LPM लिखी है, फर्स्ट की बुक में शायद 3000 LPM इसी तरह से लिखी हुई है, तो ये 300 से लेकर 3000 लाइंस एक मिनट में प्रिंट कर सकते हैं लाइन प्रिंटर, 300 से लेकर 3000 लाइंस एक मिनट में प्रिंट कर सकते हैं। और लाइंस प्रिंट करने की वजह से लाइन प्रिंटर का एक और नाम भी पड़ गया है, ये लाइन प्रिंटर्स,
इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई लाइन प्रिंटर इज कॉल्ड लाइन प्रिंटर, कि इन्हें लाइन प्रिंटर क्यों कहते हैं। लाइन प्रिंटर्स आर कॉल्ड लाइन प्रिंटर बिकॉज़ दीस प्रिंटर्स कैन प्रिंट अ कंप्लीट लाइन एट अ टाइम, क्योंकि ये प्रिंटर एक बार में पूरी लाइन प्रिंट कर सकते हैं। तो एलपीएम में इनकी स्पीड की मेजरमेंट होती है। इसकी दो टाइप्स हैं, लाइन प्रिंटर की दो टाइप्स हमारे सिलेबस के अंदर लिखी हुई हैं, वो बैंड प्रिंटर और चैन प्रिंटर। ये सिर्फ टाइप्स की, टोटल टाइप्स याद रखनी है कितनी टाइप्स हैं और हैं कौन कौन सी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, व्हाट आर मेजर टाइप्स ऑफ लाइन प्रिंटर, तो उसमें हम लिखेंगे मेजर टाइप्स ऑफ लाइन प्रिंटर आर बैंड प्रिंटर एंड चैन प्रिंटर। एमसीक्यूज में आ सकता है कि लाइन प्रिंटर की कितनी टाइप्स होती है, और बताएंगे इसकी दो टाइप्स होती है, एक बैंड प्रिंटर और एक चैन प्रिंटर। तो ये हमारा आज का पार्ट नंबर 2 है प्रिंटर के टॉपिक का, कि इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है और उसकी टाइप्स कितनी है। तो जो कॉमन पॉइंट मैंने बताए थे हर टाइप में, वही कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, सिर्फ हर टाइप के अंदर दो दो नई इंफॉर्मेशन है जो हमने क्वेश्चन के अंदर भी ऐड करनी है, और वो एमसीक्यूज में आ जाए तो उसमें भी हमारा ये कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।